तो लीजिए जी फॉरेनर्स के लिए खसूसी डिस्काउंट। अभी हम मुगलिया गार्डन में मौजूद हैं और आपको यहाँ के नज़ारे दिखाऊंगा। ये वो पॉन्ड है जहाँ किसी वक्त मुगलिया दौर के बादशाह नहाया करते थे और उमरा। ये देखें जी, यहाँ पे लिखा हुआ है तालाब में नहाना सख्ती से मना है और हमने बाज नहीं आना। मुगलिया दौर के मुतल्लिक आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता चलूं। मुग़ल शहनशाहों का खूबसूरत नज़ारों से लगाओ, कुदरती और हसीन वादियों, बहते हुए पानी आबशारों से वाबस्तगी ने मुग़ल बागात की रवायत को जन्म दिया। मुगलिया बाग वाह और शालीमार बाग लाहौर आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। शाह अकबर के एक नामवर अमीर राजा मान सिंह ने इस बाग को तामीर करवाया। वक्त गुजरने के साथ साथ बाग की तामीर का काम जारी रहा। शहनशाह जहांगीर लिखते हैं, 1608 में काबुल जाते हुए इस जगह क़याम किया और होश से 10-12 मछलियों का शिकार किया। इनके नाक में मोती डालकर दोबारा होश में छोड़ दिया गया। किस्सा तो कुछ यूं था, लेकिन हमने कुछ और ही सुना कि एक लड़की थी जो तालाब में गिर गई थी, जिसके नाक में अभी भी नथनी नज़र आती है, मोती नज़र आता है या नोज़ रिंग नज़र आती है। इस तरह के वाक़यात आपने भी सुन रखे होंगे, हमने भी सुने हैं। इस बाग में आपको छोटी मोटी नहरें भी नज़र आएंगी। ये बाग की तामीर कितनी ज़बरदस्त की गई है उस वक्त में, मोटी मोटी दीवारें हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा बाग का नज़ारा करवाता हूँ। ये बाग था, इस बाग में किसी वक्त मुग़ल बादशाह चहलकदमी करते होंगे और आज ये बाग वीरान पड़ा है। चलें अभी चलते हैं, मैं आपको इस बाग में बनी बारादरी की सैर करवाता हूँ, बारादरी दिखाता हूँ। बारादरी कहा जाता है एक इमारत को, छोटी इमारत जिसके 12 दर यानी कि 12 दरवाज़े रखे जाते हैं ताकि हवा रोशनी उसमें क्रॉस कर सके। चलें मैं आपको वो दिखाता हूँ। इस बारादरी को तामीर करवाने वाले शाह अकबर के एक नामवर अमीर राजा मान सिंह ने 1586 में इसकी तामीर करवाई। ये आपको मैं फ्रंट से दिखा रहा हूँ, अभी अंदर चलते हैं, अंदर से भी आपको इसके अंदर जो काम हुआ है नक्शो नगार वो आपको दिखाऊंगा। ये आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही होंगी, ये आपको 12 दर इसके नज़र आ रहे होंगे। 3 ये सामने हैं, 3 साइड में हैं और 3 एक साइड में हैं। ये आपको मैं सारा नज़ारा करवाता हूँ। ये देखिए, ये एक बारादरी के दाएं जानिब एक दीवार है। इस दीवार के अंदर रोशनदान रखा गया है। दीवार की मोटाई का अंदाज़ा आपको रोशनदान से ही हो गया होगा। चलें आप रास्ता ढूंढते हैं बारादरी के अंदर दाखिल होने का। बारादरी का अंदर से भी आपको डिज़ाइन दिखाता हूं कि क्या क्या नक्शो नगार किया गया है। मैंने ख़ुद नहीं देखा, मैं आपको भी दिखाता हूं और ख़ुद भी देखता हूं। ये देखें, ये एक छोटी सी जगह बनी हुई है। इसका मकसद क्या है, क्यों बनाई गई है, ये मैं नहीं जानता। ये अंदर चल के देखते हैं जी क्या मामलात हैं यहाँ पर। ये छोटी सी जगह है, अंदर से खाली है, ये नहीं, कोई रास्ता नहीं है। इसका मकसद क्या था ये नहीं बता। ये देखें जी, ये जो जगह बनी हुई है ये स्पेशल पानी के लिए बनाई गई है। होज़ के अंदर से पानी निकल के आता है, इस होज़ में जमा होता है और फिर आगे चलते जाता है। अभी हम यहाँ से बरादरी के अंदर दाखिल होने वाले हैं। ये देखते हैं अंदर क्या क्या हालात वाक़यात हैं। ये देखें जी, ये 1586 में इसकी तामीर की गई, ये बारादरी है। ये अभी भी अपनी हालत में मौजूद है। ये देखें, ये नक्शो नगार, ये गुलदान बनाए गए हैं और मुख्तलिफ तर्ज के उस दौर में जो जो डिज़ाइन चलते थे ये दीवारों पे कनंदा हैं।
मुगलिया मुगलिया फीलिंग आ रही है मुझे, जैसे मैं कोई मुगल बादशाह हूँ और इस अपने हमाम की हमाम था मुगलियों का। ये देखें जी दीवार की मोटाई, आप इस दीवार पे जाकर देखते हैं, इस दीवार की मोटाई का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये बाग के चारों अतराफ में दीवार है और ये बाग का नज़ारा। जी देखा आपने कि मुगलिया दौर का हमाम कितना बड़ा हमाम था। ये सारा बागात, ये सारे उसके महलात नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमाम है, नहाने की जगह है। यहाँ पे आते थे, नहाते थे मुगलिया दौर के बादशाह और चले जाते थे। कैमरे की आँख से महफूज किए गए ये खूबसूरत नज़ारे आपको दिखा तो दिए, लेकिन बाग का एक ये नज़ारा भी देखिए। ये कसूरवार कौन है? मैं हूँ, आप हैं, उसके बाद महकमा वाले हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ बाग की खूबसूरती मान पड़ रही है। हौज से निकलती इन छोटी मोटी नहरों में कभी मछलियाँ तैरा करती थीं, जो कि बाग की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाती थीं। ऐसी जगहों की हिफाजत करना हम सब का फ़र्ज़ है और महकमा या सारे कदीमा के लिए एक सवालिया निशान भी है। अभी हम चलते हैं हसन अब्दाल गुरुद्वारे की जानिब। अभी हम मौजूद हैं हसन अब्दाल में, यहाँ पे गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे में सिख यात्री अपनी इबादत करने आते हैं। गुरुद्वारा सिखों की इबादत गाह होती है और हर साल अकीदत रखने वाले सिख यात्री इंडिया से पाकिस्तान पंजा साहिब गुरुद्वारे इबादत की गर्ज से आते हैं, जो कि हम पाकिस्तानियों का हर एक के साथ अच्छा सलूक रखने का मुँह बोलता सबूत है। गुरुद्वारे के अंदर सिखों के अलावा और किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, नहीं तो आपको अंदर से भी गुरुद्वारा दिखाता मैं। ये गुरुद्वारे का बाहरी गेट है और ये गुरुद्वारे की दीवारें हैं जिसमें दुकानें भी हैं। गार्डन की तर्ज का एक बाग यहाँ भी है, जो कि लाला रुख का मज़ार है। ये सामने मज़ार का गेट है, जो कि हम लोगों की वजह से ताला लगाया हुआ है, हम मज़ार के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन एक साइड से मैं मज़ार के अंदर का जो है वो आपको नज़ारा करवाता हूँ, कोशिश करता हूं कि किसी तरफ से मैं दाखिल हो सकूं, ना दाखिल हो सका तो बाकी आपको मैं दिखाता हूं। तो ये देखें जी, ये लाला रुख का मकबरा है। ये जो सामने आपको चकोर डब्बा नुमा नज़र आ रहा है, ये मकबरा है लाला रुख का। बाकी भी कब्रें बनी हुई हैं, ये अंदर बाग की तर्ज का बना हुआ है और इसके चारों अतराफ दीवार है और गेट लगा हुआ है। अभी मैं आपको टेक्सला की चंद चीज़ें ऐसी दिखाता हूँ जो कि हाथ से तैयार की जाती हैं, स्पेशली ये टेक्सला की सकाफत में शामिल है। तो चलें यहाँ का नज़ारा करें और फिर चलते हैं टेक्सला की सकाफत की तरफ। ये देखें जी टेक्सला की सकाफत, ये हाथ से बने गिलास, हांडियाँ, प्लेटें, परातें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और टेक्सला आए और ये लंगरी और घोटना और बेलन ना ख़रीदा तो क्या ख़रीदा। ये देखें ये गमले हैं, ये चाक से बने हैं, बहुत खूबसूरत हैं।
और इनका रेट भी मुनासिब है। ज़्यादा से ज़्यादा महंगा जो है वो 1200 रुपये की जोड़ी है, 1000 रुपये की जोड़ी है, और बहुत खूबसूरत बने हैं। होते नाजुक हैं लेकिन खूबसूरत लगते हैं।